नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लूटूथ स्पीकर कम FM। तो इसमें आप FM कैसे असेंबल कर सकते हैं, मैंने बहुत सारा वीडियो देखा जो कि लोग बता ही नहीं पाते कि कैसे इसमें ब्लूटूथ स्पीकर में FM कैसे चालू करें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जेब्रोनिक का ये है ब्लूटूथ स्पीकर। मैं आपको बताऊँगा इसमें क्या क्या है दिया गया है इसके अंदर बॉक्स में, और हम इसे कैसे चालू कर सकते हैं FM को, और इसमें मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका जेब्रोनिक का ब्लूटूथ एक्शन, जेब्रोनिक एक्शन है। देखते हैं इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या है। एक ब्लूटूथ स्पीकर जो ऐसा है, ये आपका एक चार्जिंग के लिए दिया गया है, और एक USB पोर्ट दिया गया है। इसमें एक है मैनुअल कार्ड, जिसे आप देखकर कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी है, कैसे कैसे करना है सभी कुछ। तो आपको FM चलाने के लिए सबसे पहले करना होगा, यहाँ से चार्जिंग पॉइंट है खोलना पड़ेगा, और ये जो दिया गया है ये पॉइंट जो चार्जिंग के लिए लगाते हैं, यहाँ इसमें ऐसे लगाएंगे, और सबसे पहले तो आपको ऑन कर लेना है। Zebronics for life, Bluetooth mode. ये ऑन हो गया, तो FM पे M वाले जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे। FM mode. FM mode क्या गया, तो बटन में लगा लेंगे। असेंबल करने के लिए मैंने असेंबल करके रखा है, लेकिन असेंबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको दबाना पड़ेगा। जैसे दबाएंगे स्कैनिंग होने लगेगा, जब स्कैन होगा तो जो भी चैनल है वो सर्च होंगे और ऑटोमेटिक अपने आप धीरे धीरे आएंगे। जैसा आप देखिए, पहला स्कैन यानी पहला चैनल आपका पकड़ा, ये दूसरा चैनल आ गया, आप दबाए रखिए, तीसरा आ गया, चौथा, स्कैन हो चुका है। अब इसके बाद नहीं होगा, तो इसे मुझे छोड़ देना है। छोड़ देंगे और आप चैनल चेंज करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ दबाइएगा प्लस या माइनस पे, तो ऊपर नीचे होगा, आगे पीछे। क्या प्लस करता हूँ, चैनल चेंज हो गया, देखिए दूसरा चैनल चेंज। और ये इसका ऐसा आवाज़ है, 10 वाट का है, जैसे 5 वाट 5 वाट दो स्पीकर दिए गए हैं इसमें। और ये है आपका, इसमें लगाकर किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरे स्पीकर से या दूसरे मोबाइल से, किसी भी चीज़ से। और ये आपके चार्जिंग के लिए हो गया, यहाँ से लगाकर आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें मेमोरी कार्ड के लिए दिया है, यहाँ एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें है क्या, तो इसमें आपका जो है 32 GB का मेमोरी कार्ड लग सकता है, 5.6 आवर इसकी चार्जिंग है, चार्जिंग करने का टाइम, और 12 घंटा प्लेबैक टाइम। लेकिन ये 12 घंटा चलता नहीं, मैंने इसे यूज किया है, लगभग 5 से 6 घंटा ये दे पाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका वीडियो, कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दो, और दूसरों को भी शेयर करें ताकि वे भी लाभान्वित हो सके। थैंक यू दोस्तों।